चित्रकूट एकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने न्यूमेरिकल का कुछ पार्ट कर लिया था और कुछ बाकी था, तो आज उसको इस वीडियो में देखेंगे। तो न्यूमेरिकल्स का जो आगे के सवाल हैं उनको इस वीडियो में आज देखेंगे। तो उस दिन हमने 11वें सवाल तक कर लिया था, आज इस अभ्यास प्रश्न का 12वां क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल के हैं आगे के क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होंगे। तो अभ्यास प्रश्न का ये 12वां सवाल है। इसमें ये बोला जा रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब, फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर क्योंकि उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी माइनस में होगी। और इसके बाद कहा जा रहा है कि कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, बिंब यानी वस्तु की दूरी, तो ये 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंब रखा हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति। प्रतिबिंब की स्थिति यानी v का मान और प्रकृति, प्रकृति का मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वह उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। तो जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तभी आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी। तो आपको यहाँ पर दो चीजें मालूम है और तीसरी चीज आपको ज्ञात करना है। तो आपको दर्पण का सूत्र यहाँ पर मालूम होना चाहिए और दर्पण का सूत्र जो होता है वो 1/f = 1/v + 1/u। सूत्र आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेने हैं। तो आपको यहाँ से f और u का मान मालूम है और आपको v का मान ज्ञात करना है, तो v को उठाकर इधर ले आइए या फिर 1/u को उठाकर इधर ले आइए, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ से 1/v = 1/f और ये इधर आएगा तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस का 1/u। इसके बाद वैल्यू रखेंगे तो 1/v = 1/f की वैल्यू है आपकी -15 सेंटीमीटर और इसके बाद u की वैल्यू रखेंगे तो 1/-10। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 1/v = इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा -1/15 और -±+1/10। और जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1/v = एलसीएम इसका आएगा 30 और ये माइनस में है तो 15 × 30 यानी -2 और ये आपका प्लस वैसे ही लगा रहेगा और 10 × 30 यानी 3। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे 1/v = 1/30 यानी v = 30 सेंटीमीटर। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा क्योंकि आपकी जो v की वैल्यू आई है वो प्लस में आई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा और प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। तो इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा और दर्पण के दूसरी तरफ बनेगा। तो ये चीजें आपको ज्ञात करनी थी और वी का मान और प्रकृति ज्ञात करनी थी। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर इस सवाल में क्लियर हो रही हैं कि प्रतिबिंब जो है वो सीधा और दर्पण के दूसरी ओर बन रहा। तो इस सवाल को आप नोट करेंगे, इसके बाद चलेंगे अगले सवाल पर।
इसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो कि इस अभ्यास का 13वां सवाल है। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन आवर्धन वो आपका प्लस वन है, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यह है कि जो दर्पण होगा वो आपका समतल दर्पण होगा और जो इसकी प्रकृति होगी वो जो वस्तु की जो स्थिति होगी वही प्रतिबिंब की स्थिति होगी। इसका मतलब यही है कि जो आकार होगा वह समान होगा, समान आकार का प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि जो आवर्धन होता है यह गुणा में होता है और क्योंकि यह प्लस वन है इसका मतलब यह है कि आप एक का गुणा चाहे जिस संख्या में करें वह उतनी ही रहेगी। तो इसका मतलब है कि यह समान आकार का प्रतिबिंब रहेगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे इतना ही पूछ रहा था कि प्लस वन का मतलब यानी जब आवर्धन m का मान प्लस वन है तो इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ यही है कि जो प्रतिबिंब होगा वह समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा और समतल दर्पण इस स्थिति में होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको तो समझना था, ये छोटा सा क्वेश्चन था तो इसमें इतना ही पूछ रहा था, इतना ही आपको इसमें लिखना। इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद आपका इस अभ्यास का अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है। इसमें यह बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। उत्तल दर्पण है तो इसमें आपको ध्यान देना है 5 सेंटीमीटर लंबाई का, इसका मतलब ये आपकी h की वैल्यू दी हुई है, ये आपकी 5 सेंटीमीटर है। जब भी आपको लंबाई बोलेगा इसका मतलब ऊंचाई है, उस जो वस्तु है उसकी ऊंचाई दे रखा है यानी ये 5 सेंटीमीटर है। और आगे कह रहा कि कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या यानी r का मान दे दिया है वो है 30 सेंटीमीटर। और आगे कह रहा है कि किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, अर्थात u का मान जो दिया है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ और उत्तल दर्पण है, इसका मतलब ये माइनस में होगा जो दूरी होगी। और आगे आपसे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं। आपके सामने r का मान दिया हुआ है तो आप आसानी से f का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है f इज इक्वल टू r बाय 2 और r की वैल्यू यहां रखेंगे तो f का मान आसानी से आएगा 30/2 यानी ये 15 × 30 तो आपकी f की जो वैल्यू आएगी वह 15 सेंटीमीटर। तो आपको यहां से f की वैल्यू पता हो गई और प्रतिबिंब का जो स्थिति है उसको ज्ञात करना है आपको और प्रकृति कि प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा, किस ओर बनेगा, दर्पण के किस ओर बनेगा। तो आपको f और यहां पर u की वैल्यू मालूम है तो आप v की वैल्यू आसानी से यहां पर ज्ञात कर सकते हैं। तो दर्पण का फार्मूला लगाएंगे यहां पर 1/f is equal to 1/v plus 1/u और आपको मान ज्ञात करना है v का, तो 1/u को उठाकर इधर लाएंगे, 1/v is equal to 1/f और ये 1/u इधर आएगा, ये माइनस में आएगा 1/u। अब वैल्यू रखेंगे f और u की तो v का मान निकल कर सामने आएगा 1/v is equal to f की वैल्यू है आपकी 15 सेंटीमीटर 1/15 माइनस 1/
और यू की वैल्यू माइनस में है तो आप माइनस 20 यहां पर रखेंगे। इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 15 और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 20। अब आप इसमें एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम लेना तो पिछली क्लास में सिखाया ही गया होगा, एलसीएम लेना आपको आता होगा। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 60। तो यहां पर 1 अपॉन वी यहां पर आएगा 4 प्लस 3, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 7 अपॉन 60। यानी जब v की वैल्यू निकालेंगे इसका तिरछा गुणा करेंगे तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7v इज इक्वल टू 60, यानी v इज इक्वल टू 60 अपॉन 7। और जब आप 60 में भाग देंगे 7 का भाग देंगे तो यह 8.57 समथिंग ये b की वैल्यू जो आएगी 8.57 और यह प्लस में आ रही है। तो इसका अर्थ यह है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के दूसरी ओर बनेगा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो प्रकृति हो जाएगी, प्रकृति ये होगी दर्पण के दूसरी ओर आपका प्रतिबिंब सीधा सीधा प्रतिबिंब बनेगा और दर्पण के दूसरी तरफ दर्पण के दूसरी तरफ सीधा प्रतिबिंब बनेगा जब प्रतिबिंब यानी v का मान जो प्रतिबिंब v होता है इसका जब मान प्लस में आएगा तो आपका सीधा प्रतिबिंब बनेगा और यदि इसका मान माइनस में आए कहीं पर भी तो आप वहां पर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो आप वहां पर सीधा लिखेंगे कि यह प्रतिबिंब उल्टा होगा। तो आपको यहां पर ये दो चीजें याद करनी थी, तो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलेंगे इस क्वेश्चन में, 14वें क्वेश्चन में आवर्धन भी आपको ज्ञात करना था। तो आवर्धन का फार्मूला जो होता है, और क्योंकि यह उत्तल दर्पण है तो यहाँ पर माइनस वी अपॉन यू ये आपका फार्मूला बनेगा और एम इज इक्वल टू इसकी वैल्यू रखेंगे वी और यू की, ये माइनस 8.57 अपॉन यू की वैल्यू है माइनस 20। ये ऊपर में माइनस और नीचे जो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो m इज इक्वल टू 8.57 अपॉन 20। तो 8.57 अपॉन 20। तो आपको जब इस तरह का दशमलव में कोई संख्या मिले तो आप इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको आप 857 लिखिए और इनटू में 10 टू द पावर माइनस 2, क्योंकि दो अंक बाद दशमलव के बाद दो अंक है इसलिए आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं और बाद में इसको पुनः दशमलव के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप 857 में 20 का भाग देंगे तो इधर आपको करके दिखा रहे हैं और आप इसका प्रैक्टिस भाग देने की प्रैक्टिस स्वयं करें ताकि क्वेश्चन लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जब 20 का भाग इसमें सबसे पहले देंगे तो 20 चौको 80 यानी ये 5 आएगा और यहाँ पर 7 आएगा, और क्योंकि ये दो बार जा रहा है तो दो बार में थोड़ा कम हो रहा है, तो इसको हम जब तीन बार ले जाएंगे समथिंग तो यह आएगा 20 60 यानी थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। तो इसका आंसर जो आएगा वो लगभग में आएगा, लगभग ये आपका 43 और इनटू 10 टू द पावर माइनस 2
और 10 टू दी पावर माइनस 2 का मतलब ये हुआ कि m इज इक्वल टू 0.43, दो अंक पहले दशमलव आएगा तो ये इसका आवर्धन का मान आएगा और ये है आपका प्लस में है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आवर्धन जो है वो इतने गुना जो है होगा, प्रतिबिंब का इतने गुना आवर्धन प्राप्त होगा। तो इसके बाद आइए देखते हैं 15वां क्वेश्चन इस अभ्यास का। तो इसमें आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब यानी u इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, जो आपकी फोकस दूरी है वो 18 सेंटीमीटर है, तो यह 18 सेंटीमीटर के फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा, तो ये आपका साइज है। यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, ये h की वैल्यू होगी और ये h की वैल्यू होगी और ये आपका फोकस दूरी दिया हुआ है और u की जो वैल्यू है वो 27 सेंटीमीटर दी गई है। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देना है, जब भी साइज बोले या ये कहे कि इतनी लंबाई का कोई बिंब रखा हुआ है, इसका मतलब आपका h का मान वहां पर दिया हुआ है। और आपसे इसमें पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस वस्तु का स्पष्ट और फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके और प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपसे यहाँ पर v का मान पूछ रहा है, सवाल को ध्यान से आप पढ़ें। हाँ ठीक है, तो आइए देखते हैं और इसकी आपको प्रकृति और आवर्धन ये भी ज्ञात करना होगा, तभी आपको सारी चीजें इस क्वेश्चन में पता चलेंगी। तो आइए सबसे पहले हम दर्पण का फार्मूला लगाते हैं। तो ये आपका होता है 1/f = 1/v + 1/u। तो इसमें आपको v की वैल्यू सबसे पहले ज्ञात करनी है, तो 1/v = 1/f और -1/u। इसको हम इधर ही लिखा रहने देते हैं और इसको उठाकर जब इधर लाते हैं तो क्योंकि यह प्लस में है तो इधर आएगा तो यह माइनस में हो जाएगा। इसके बाद वैल्यू रखेंगे 1/v = f की वैल्यू है आपकी 18 1/18 और ये माइनस है तो -1/u की वैल्यू है आपकी 27 सेंटीमीटर। इसके बाद आप एलसीएम लेंगे 1/v, यहां से एलसीएम आएगा 54, तो 18 * 54 यानी 3 और -27 * 54 इसका मतलब ये 2। इसके बाद और सॉल्व करेंगे आप तो 1/v = 3 में से 2 जाएगा तो 1 और बटे में 54, इसका मतलब ये हुआ कि v = 54 और ये प्लस का है, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के दूसरी ओर बनेगा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, तो जो इसकी प्रकृति हो जाएगी वो सीधा और दर्पण के दूसरी तरफ। और आप देख रहे होंगे कि जो u का मान है यानी वस्तु का जो 27 सेंटीमीटर दूरी है
उससे दोगुनी दूरी पर यानी 54 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका प्रतिबिंब बन रहा है। इस प्रकार से आपने इतनी चीजें इसमें समझ लिया। अब आगे देखेंगे इसमें आवर्धन, आवर्धन भी आप आसानी से अब इसका ज्ञान कर सकते हैं। आवर्धन m इज इक्वल टू v अपॉन u, क्योंकि यह अवतल दर्पण, यहां पर माइनस नहीं होगा। m इज इक्वल टू v की वैल्यू आपकी यहां से आई है 54 और u की वैल्यू है आपकी 27। तो m इज इक्वल टू 27 दूनी 54 यानी +2। इसका मतलब ये है कि आवर्धन का मान आपका +2 है, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो दोगुनी दूरी पर यानी दोगुना वस्तु से दोगुना प्रतिबिंब बनेगा। तो इतनी चीजें आपने इसमें देखा। और एक चीज आपको यहाँ से और ज्ञात कर सकते हैं, आवर्धन का एक फार्मूला आपने इस फॉर्म में भी पढ़ा होगा, एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। तो यहाँ से आप h की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। ये आवर्धन की जो वैल्यू आई है यहाँ से ये 2 यानी प्लस का 2, और h डैश आपको ज्ञात करना है, और h की वैल्यू आपको पता है कि ये 7 है। तो h डैश ये हो जाएगा 14। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी लंबाई है बिंब की, उससे प्रतिबिंब की लंबाई दोगुनी, ये 7 सेंटीमीटर थी, तो ये है 14 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 14 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस सवाल में आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई। आप इसको ध्यान से देखें, समझें, और यदि समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके बाद आइए इस अभ्यास का 16वां सवाल देखते हैं। इस सवाल में ये कह रहा है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता क्षमता P, ये दिया हुआ है -2 डायोप्टर। यह किस प्रकार का लेंस है? आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि यह किस प्रकार का लेंस है। तो आइए देखते हैं। आपको जब हमने क्षमता पढ़ाया था प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में, तो यह फार्मूला आपको बताया था कि जो क्षमता और फोकस दूरी में संबंध होता है, E इज इक्वल टू 1/F, यानी यह व्युत्क्रमानुपाती संबंध इन दोनों में होता है। तो यहां से आपकी P की वैल्यू दी गई है -2 डायोप्टर। तो इस फार्मूले में जब आप इसको रखेंगे, ये -2 इज इक्वल टू 1/F, यहां से f की वैल्यू निकल कर सामने आएगी। ये आप तिरछा गुणा करेंगे, और जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसके नीचे हर संख्या के नीचे 1 का बटा होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जब इसका तिरछा गुणा करेंगे तो ये आएगा -2f इज इक्वल टू 1, से 1 का गुणा होगा तो ये 1। यहां से f की वैल्यू निकालेंगे, f इज इक्वल टू 1/ और ये माइनस भी इसके साथ में आएगा तो -2। इसका मतलब ये हुआ कि f इज इक्वल टू 0.5 और ये माइनस का होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है तो वह आपका अवतल लेंस होता है। और आपसे यही पूछ रहा था कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी और ये आपकी सेंटीमीटर में होगी। तो फोकस दूरी क्या होगी और लेंस किस प्रकार का होगा? तो फोकस दूरी माइनस का 0.05 सेंटीमीटर और लेंस आपका अवतल लेंस होगा। इसके बाद आइए इस अभ्यास का अंतिम सवाल और 17वां सवाल देखते हैं। इसमें आपसे यह कह रहा है इस सवाल में कि कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का +1.5 डायोप्टर क्षमता का
संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी है। अभिसारी का मतलब उत्तल लेंस है या फिर अवतल लेंस है, और अपसारी का मतलब या फिर अवतल लेंस है। तो आइए इसको भी देखते हैं। तो आपको यहाँ पर सेम पीछे वाले सवाल के जैसा है, तो P इज इक्वल टू 1/f और यहाँ से आपकी क्षमता जो दी गई है वो प्लस में दी गई है, ये 1.5 इज इक्वल टू 1/f और उसी प्रकार से जैसे पीछे वाले सवाल में हमने किया था उसी प्रकार से तिरछा गुणा करेंगे आप। 1.5f इज इक्वल टू 1f इज इक्वल टू 1/1.5। अब जब इस तरह से आ जाए कहीं पर तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें 1/ इसको आप 15 लिखिए और इसको लिखिए 10^-1। अब एक में 15 का भाग देना है, वह बगल में रफ वर्क के रूप में इसको कर लीजिए। तो यह क्योंकि एक में 15 का भाग नहीं जाएगा इसलिए हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और एक जीरो यहाँ पर बढ़ाएंगे। अब भी अगर भाग नहीं जा रहा है तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ाएंगे और एक जीरो यहाँ पर। अब ये 100 हो गया यानी 100 हो गया, तो अब इसमें भाग जाएगा। तो अब देख लीजिए कितनी बार भाग जा रहा है, तो 15 × 90 यानी ये जीरो और यहाँ पर 1 आएगा। तो अब आप देख रहे होंगे कि फिर यहाँ पर 10 आ गया, यदि हम यहाँ पर जीरो बढ़ाते हैं तो फिर यह उतनी ही बार जाएगा, तो बार बार 666 यानी ये आपका आएगा f इज इक्वल टू 0.666 और इनटू 10^-1। इसका मतलब ये है कि एक अंक पहले और दशमलव आएगा, तो f इज इक्वल टू 0.0666। तो आप देख रहे हैं कि जो फोकस दूरी है वो प्लस में है, इसका अर्थ ये है कि जो आपका लेंस होगा वह उत्तल लेंस होगा, और उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो लेंस होगा वह उत्तल होगा अथवा अभिसारी होगा। तो आप इसको उत्तल लेंस को दो नामों से जानते हैं, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो आपका लेंस होगा वह अभिसारी लेंस होगा। तो इस चैप्टर के इस अध्याय के जो न्यूमेरिकल्स थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं, और यदि आपको समझ में यह क्लास आपको समझ में आई हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल चित्रकूट एकेडमी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें जहां पर आपको समझ में ना आ रहा हो, बेहिचक आप कमेंट करें। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो इसमें आपसे आज हम एक सवाल पूछेंगे और वो सवाल होगा फार्मूले का, तो आपको फार्मूला कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और तो आज का सवाल ये है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के सूत्र तथा दर्पण की क्षमता का
सूत्र लिखिए, तो आप इसमें से, इस क्वेश्चन में से जो जो पूछा गया है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।